आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल, जिसको कि सिल्वर पेपर भी कहते हैं, उसके बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में बताने जा रही हूँ। पेपर प्लेट बनाने वाले तो मार्केट में काफ़ी हैं, लेकिन पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल यानी सिल्वर पेपर बनाने वाले अभी भी मार्केट में बहुत कम है। इसलिए इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर मौका है इस बिजनेस को शुरू करने का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसमें कौन सी लाइसेंस की जरूरत होती है और इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मशीन कैसे काम करती है और कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ लेमिनेशन मशीन के बारे में। इसका जो यूज होता है वो सिल्वर पेपर बनाने के काम में आता है, जिसका यूज हम पेपर प्लेट मशीन में यूज करते हैं पेपर प्लेट बनाने के लिए। तो ये सिल्वर पेपर जो बनता है लेमिनेशन करके बनता है, तो इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज होता है और ये मशीन कैसे काम करती है मैं अभी बताता हूँ। इसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में दो चीज़ यूज होता है, एक क्राफ्ट पेपर यूज होता है और एक BOP फिल्म यूज होता है। तो अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। ये क्राफ्ट पेपर का रोल होता है जो कि पीछे लगा होता है और उसके ऊपर में ये BOP फिल्म होता है और सिल्वर कलर का, दोनों आगे धीरे धीरे जाता है और उसके बाद यहाँ पे गम लगा होता है जो कि गम यहाँ पे सिल्वर पेपर में जाता है और आगे ये दोनों को
कॉम्बाइन करता है, लेमिनेट करता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लेमिनेशन भी होता है और कटिंग भी होती है। कटिंग होने के लिए यहाँ पे कटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटर लगा हुआ है। कटर का साइज हम लोग फिक्स करते हैं कि कितना हमें कट करना है। इसमें हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने इंच का मटेरियल तैयार करते हैं। इसमें 22 इंच, 24 इंच, 28 इंच का मटेरियल तैयार कर सकते हैं, उसके हिसाब से इसको आगे पीछे खिसका करके एडजस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं। जब आप इस मशीन को खरीदने आएंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्राफ्ट पेपर कैसे लगाते हैं, बीओपी फिल्म कैसे लगाते हैं, गम कहाँ पे डालते हैं। इसमें जो गम यूज करते हैं उसमें आधा पानी और आधा गम डाल करके मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मग से मशीन में डालते हैं। इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप इनसे ले सकते हैं या आप अपने आसपास के सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हमारा सिल्वर पेपर लेमिनेट होता है तो उसके बाद उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटर मशीन से कट करते हैं। जिस जिस साइड का ऑर्डर हमारे पास होता है उस हिसाब से कट करते हैं। जैसे अगर आप 24 इंच का क्राफ्ट पेपर यूज करते हैं तो 13 इंच और 11 इंच का दो रोल में कट करते हैं। तो उसके बाद आप अपने ऑर्डर के हिसाब से कटर का ब्लेड एडजस्ट कर आप अपना माल तैयार कर सकते हैं। तो जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब इसे वेट करके हम इसे सप्लाई कर देते हैं। इस मशीन से जो सिल्वर पेपर तैयार होता है उससे पेपर प्लेट, दोना, थाली आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो जीएसएम पर डिपेंड करता है और उसकी प्राइस अलग अलग होती है। जनरली मार्केट में जो मशीन अवेलेबल है वो लेमिनेशन और कटर मशीन अलग अलग होता है, जिसकी प्राइस लगभग 5 लाख तक आती है। बट इस मशीन का बेनिफिट यही है कि इस मशीन में कटर और लेमिनेशन दोनों साथ साथ होता है और इसकी प्राइस भी बहुत कम। इस मशीन को लेकर के आप पैसे भी बचा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मशीन को खरीदने के लिए आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं या कंपनी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पैसा पे करने के बाद मशीन आपके एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दिया जाता है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हम एक महीने का प्रॉफिट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये जो मशीन है ये 1 आवर में प्रोडक्शन करता है 200 केजी। अगर इस मशीन को हम 10 आवर्स चलाते हैं तो 10 घंटे में 2000 केजी मटेरियल तैयार हो जाता है। अगर हम एक महीने की बात कर ले तो एक महीने में 2000 × 30 कर लेंगे तो 60,000 केजी, मतलब 60,000 केजी प्रोडक्शन हो जाता है। इसकी प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें 2 रुपए का मुनाफा हमें होता है 1 किलो में। तो अगर हम वन डे की बात करें तो 2000 केजी हम एक दिन में बना लेते हैं तो 2000 केजी इंटू 2 करेंगे तो 4000 रुपए हो जाता है। तो हम एक दिन में 4000 रुपए इससे कमा सकते हैं। अगर 30 डेज की बात करें तो 4000 × 30 कर लेंगे तो ये 1,20,000 रुपये हो जाएगा। अगर इसमें हम अपना प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो लेबर चार्ज है, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस अदर एक्सपेंस मान के चले तो ये 30,000 के करीब करीब आता है। तो अगर इसमें टोटल प्रॉफिट की हम बात करें तो जो हमारा मुनाफा होता है 1,20,000 रुपये में से 30,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो बचता है 90,000 रुपए। इट मींस कि हम एक महीने में कम से कम 90,000 रुपए से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि लेमिनेशन मशीन को यूज करके सिल्वर पेपर कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का प्रोसेस काफी आसान है।
मार्केटिंग के लिए आप अपने शहर में अपने एरिया में जो भी पेपर प्लेट बनाने वाले हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यह मशीन खरीद कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं।